टू डेलिश फूड। आज मैं आपके लिए भगवान का भोग कह सकते हैं। सपोज आपके यहाँ कान्हा जी हैं तो आपको डेली भोग चाहिए, कभी लड्डू कभी बर्फी, तो इंस्टेंट। अगर आपके घर पे कुछ भी नहीं है एटलीस्ट, तो मिल्क तो सबके घर पर ही आता है, तो उसकी मैंने फ्रेश क्रीम ली है। सपोज ये मेरी क्रीम है 150 ग्राम और मैंने उसके हिसाब से शुगर ली है हाफ, जितनी मलाई उसकी आधी शुगर, और ड्राई फ्रूट्स। अगर आपका मन है आप स्किप भी कर सकते हैं, तब भी ये बहुत डिलीशियस लगती है। अदरवाइज आप ग्रेट करा हुआ कोकोनट, ऑलमंड्स, इलायची पाउडर, किशमिश एंड कैश्यू नट्स, इससे थोड़ा और फ्लेवर बढ़ जाता है। अदरवाइज आप दोनों से भी बनाओगे तब भी ये बहुत अच्छा बनता है। बेसिकली ये बर्फी बना रही हूं मैं। जब कुछ भी नहीं होता हमारे पास, तो हम अपने भगवान का भोग लगाने के लिए या खुद का भी मन कर रहा है तो उससे एक स्वीट डिजर्ट बना सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाना है, और आप देखते रहिए, कोई आपको कोई भी स्टेप स्किप नहीं करनी है। बहुत इजी और बहुत इंस्टेंट बनने वाली मिठाई है, और मैं चाहती हूँ कि आप भी जरूर ट्राई करें। देखिए, हमने ये कढ़ाई ली है, उसमें इस मलाई को इसको थोड़ा मैं हाई फ्लेम पर, शुरुआत में तो मुझे इसे हाई फ्लेम पर ही रखना है जिससे ये मेल्ट होना शुरू करे, और हमें कंटिन्यूअसली इसे चलाते रहना है। और इस भी जगह आपको कुछ काम भी करना है, सपोज आपको कुछ और करना है वो भी कर सकते हैं साइड बाय साइड, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, तो बस इस तरीके से इसे चलाना है हमें बार बार। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल गाढ़ा होना शुरू हो गया है, और इस स्टेज पर हमें इसे बस ऐसे लगातार स्टिर करते रहना है और चलाना है। बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो लग सकता है, इसलिए आपको इस तरीके से चलाते रहना है। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि इस मलाई ने बिल्कुल घी छोड़ना शुरू कर दिया है, मतलब आप देख सकते हैं एजेस पर, ये देखिए। अब हमें बस इसे चलाते रहना है और ये पूरा घी एकदम छोड़ता चला जाएगा, और ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर हो जाएगा, जैसे मावा होता है। देखिए, आप देख सकते हैं ये घी बिल्कुल, देखिए चारों तरफ से घी हटने लगा है। और अब मैं इस स्टेज पे इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, जैसे हम इसको चलाते रहेंगे। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स, ये गया मेरा नारियल का बुरादा, इलायची पाउडर, किशमिश, देखिए ऑलमंड्स एंड कैश्यू नट को मैंने क्रश कर लिया है। और जस्ट अब इससे थोड़ा फ्लेम को हाई करते हुए इसको जस्ट हमें चलाते रहना है। और इस तरीके को एक प्लेट लेनी है, और इस पर हम, मतलब घी की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसमें आप देख सकते हैं कितना घी निकल रहा है, तो बस इसमें हम इसको बर्फी की शेप में जमा देंगे। अब देख सकते हैं बिल्कुल इसका कलर चेंज हो चुका है, और घी बिल्कुल साइड से कितना सारा घी निकल भी रहा है। अब हम अपनी इस प्लेट में, जो मैंने आपको बताया था गैस फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, तो जस्ट इस पर आपको इस तरीके से पोर करना है पूरा। इसको बिल्कुल यूनिफॉर्मली ऐसे कर देंगे, और इसका घी बिल्कुल, हम देखिए आप कितना घी इसके साइड से आपको दिख रहा होगा, हम इसको रिमूव कर देंगे। लेकिन अभी पहले आप इसको अच्छे से रूम टेम्परेचर पर इसको सेट होने देना है। बहुत अच्छी बर्फी बनती है, और बिल्कुल कुछ भी नहीं लगा, सिंपल इजीली अवेलेबल, जो हमारे घर पर सामान था झटपट उससे बन गया। तो आई होप कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, एंड प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी झटपट बनने वाली भगवान का भोग रेसिपी कैसी लगी। और इसको बस हमें ठंडा होने के बाद बर्फी को कट करना है नाइफ की हेल्प से इस तरीके से। जब ये ठंडी हो जाएगी तब हमें इस तरीके से इसके पीसेस निकालने हैं, बस फिर हमारी बर्फी रेडी है।